दोस्तों कैसे आप लोग, आई होप काफी अच्छे होंगे आप लोग भी। सो फ्रेंड्स, मैं लेकर एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक और इंटरेस्टिंग न्यूज आप लोग। एंड फाइनली आज बात करूंगा सुजुकी जिक्सर 155 2019 एडिशन। एंड फाइनली काफी जगह इसको स्पॉट किया गया, स्पॉट मीन शोरूम्स में स्पॉट किया गया, ऐसा टेस्ट राइड करते हुए स्पॉट नहीं किया गया। तो इसका मतलब ये होता है बहुत जल्द ये गाड़ी लॉन्च होने वाली, बहुत जल्द नहीं विद इन वन वीक के अंदर ये लॉन्च होने वाली। सो फ्रेंड्स, क्या मिलेगा आपको स्पेसिफिकेशन और क्या मिलेगी इसकी प्राइसिंग, सो फ्रेंड्स आखिर तक वीडियो देखिए, बिल्कुल भी मत मिस करिएगा। मेरा नाम रूपम और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरा अपने चैनल दैट इज रूपम ब्लॉग्स। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का, उसको जैसे क्लिक करेंगे वो ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड उसके साथ में जो बेल आइकन उसको भी क्लिक करना ना भूलें, नहीं तो कोई वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आएगा। सो फ्रेंड, हम वेस्ट नहीं करते टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड, जो बाइक स्पॉट की गई थी सबसे पहले वो किया गया था ब्लू पैटर्न में, अब फाइनली जो स्पॉट किया गया वो है सिल्वर पैटर्न में। दैट मींस गाड़ी काफी अच्छी दिख रही है, काफी जल्दी लॉन्च होने वाली है, काफी अच्छे अच्छे अपडेट्स देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो ओल्डर जिक्सर है उस कंपैरिजन में काफी रिफ्रेश लुक के साथ आती है। और जो इसका सबसे मेन हाईलाइटिंग पार्ट है पूरी गाड़ी का वो है इसका हेडलाइट, फुल्ली एलईडी हेडलाइट आपको इस गाड़ी मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ब्राइटनेस उतनी ज्यादा आपको नहीं मिलती एज पर द हैलोजन, लेकिन अच्छा खासा विजिबिलिटी आपको देता है। और AHO अगर वैसे भी अपने इंडिया में है तो इस कारण से बैटरी डाउन होने का बड़ा टेंशन रहता था, लेकिन वो चीज आपको इस गाड़ी में नहीं होगी। दैट मींस LED वैसे भी पावर कम कंजप्ट करता है एज कंपेयर टू जो रेगुलर बल्ब होता है। अब बात करें दूसरे अपडेट की, तो वो आपको मिलता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि पूरा का पूरा कैरी किया गया, जो इसका 2019 सुजुकी जिक्सर SF है वैसे ही पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लिया गया। लोडेड वाला डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं है, लेकिन हाँ डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन आपको मिलता है। अगला जो अपडेट आपको देखने को मिलता है वो है इसका टैंक एक्सटेंशन, जो कि बहुत अच्छा है, पहले वाले में थोड़ा कम था, ये काफी ज्यादा ब्रॉड यानी लंबा किया गया है। गाड़ी काफी स्पोर्टीनेस के साथ आती है, स्पोर्टीनेस दिखती है। और जो अगला अपडेट की बात करूं वो है स्प्लिट सीट। यस, आपको पहले जो जिक्सर थी उसमें सिंगल सीट का ऑप्शन था और पीछे वाला सीट काफी छोटा होता था और बहुत अनकंफर्टेबल होता था, लेकिन इस सिचुएशन में आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि पीछे का सीट भी अच्छा खासा बड़ा और कुशनिंग वाला है, काफी अच्छी आपको लगेगी। वही अगर मैं टेल एंड की बात करूं तो टेल एंड भी पूरा का पूरा लिया गया है जिक्सर SF से। डट मींस आपको LED टेल लाइट मिलता है, वो भी न्यू डिजाइन के हिसाब से। इसमें आपको मिलता है रियर टायर हगर, जो कि पुराने जिक्सर में नहीं था, सो एक एडिशन आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है। ये तो बहुत हो गई पूरे डिजाइन की, जो आपको 2019 जिक्सर 155 मिलेगा। अब बात करें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन, तो ये एक्चुअली BS6 नॉर्म्स के हिसाब से आई है गाड़ी। सो फ्रेंड्स, इसका पावर भी आपको कम मिलता है एज कम्पेयर टू जो ओल्डर जिक्सर है उसके कंपेरिजन में। लगा हुआ 155 cc का सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्शन वाला यूनिट, जो की पावर पॉइंट निकालता है 14.1 BHP का पावर पॉइंट, और जो टॉर्क निकालता है 14 Nm का टॉर्क। जो पावर है वो ऑलमोस्ट 0.6 BHP कम है जो ओल्डर वर्जन है, लेकिन उतना समझ में नहीं आएगा आपको गाड़ी में, क्योंकि ये अच्छी खासी स्मूथ हो गई है। और इसमें मिलता है आपको 5-speed ट्रांसमिशन, जो कि आपको SF में भी देखने को मिलता है। ये तो बात होगी इंजन स्पेसिफिकेशन। वही मैं बात करूं साइकिल पार्ट्स की, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इसके सस्पेंशन ड्यूटी की। तो फ्रंट में मिलता है आपको टेलीस्कोपिक फोक, पीछे मिलता है मोनोशॉक एब्जॉर्बर। वेल, थोड़ा स्टिफ रहता है पीछे का सुजुकी का, आप आई डोंट नो, ये जब लॉन्च होती है तो थोड़ा टेस्ट ड्राइव लेकर देखेंगे इसका पीछे का स्टिफ रहता है कि नहीं रहता है, क्योंकि SF जो है वो हल्का सा स्टिफ लगा मेरे को पीछे वाला सस्पेंशन। और ये भी होता है तो ठीक है, चलता है, ऐसा नहीं है कि एकदम ही कड़क है और जैसे ही आप गड्ढे से आप जाते हैं तो एकदम ही फील हो। मैं ब्रेकिंग डिपार्टमेंट की बात करूं तो इसमें मिलता है आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में डिस्क ब्रेक, और इसमें मिलता है आपको सिंगल चैनल ABS एज अ स्टैंडर्ड, जो कि पुराने जिक्सर में था वैसा ही वाला आपको मिलता है इसमें भी। वही बात करूं अगर इसके टायर साइज की, तो टायर साइज आपको 17 इंच के मिलता है फ्रंट एंड रियर, लेकिन काफी अच्छे रेडियल टायर मिलता है। दैट मींस काफी अच्छा आप कॉर्नरिंग कर सकते हैं इस बाइक में। मैं बात करूं इसकी एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी इसकी आप बढ़ जाएगी, पहले 45 तक इजीली मिल जाता था, मोस्ट प्रोबेबली आप 50-55 तक इजीली मिल जाएगा। सब लोग बोल रहे थे कि 50 प्लस मिल जाता है, लेकिन डिपेंड, मैंने बहुत लोगों से ये भी सुना है कि 45 भी मिला है, जब आप इसको ज्यादा रेव करते हैं तो तब इसका एवरेज कम हो जाता है। फ्रेंड्स, ये तो बात होगी इसके ओवरऑल गाड़ी के बारे में। अब बात करें इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ग्राउंड क्लियरेंस मेरे को उतना खास नहीं लगता जिक्सर का, क्योंकि आप जब भी दो लोग बैठते तो अगर थोड़ा ज्यादा बड़ा बंप हो तो इजीली आपका नीचे का जो कैटालिटिक कन्वर्टर है वो टकरा जाता है इस गाड़ी का।
अगर मैं बात करूँ अगले मॉडिफिकेशन की, तो वो है इसका साइलेंसर पार्ट। इसमें आपको जिक्सर SF जो 2019 एडिशन है वैसा वाला ही आपको साइलेंसर सेटअप देखने को मिलता है, मतलब क्रोम फिनिश वो भी नया वाला, और डिजाइन थोड़ा रिफ्रेश देखने को लगता है साइलेंसर की बात करें तो। सो फ्रेंड्स ये तो बात होगी ओवरऑल बाइक से रिलेटेड, अब बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग में क्या होगा। सो फ्रेंड्स प्राइसिंग तो अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जो प्राइस होगा वो ऑलमोस्ट 15,000 रुपीज ज्यादा होगा। जो ओल्डर जिक्सर 155 है उसकी कंपेरिजन में इसका प्राइस ऑलमोस्ट 15,000 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और क्या आपको RTO प्लस इंश्योरेंस वो तो अलग एड ऑन हो जाता है, लेकिन अभी जो है वो बाइक से आपको 15,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो अबाउट सुजुकी जिक्सर 155 2019 एडिशन। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, और नया हो तो सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना। और एक और चीज़, इस वीडियो के बाद वाला वीडियो बिल्कुल मत मिस करना, मैं दोनों गाड़ी कंपेयर करूँगा, डायरेक्ट सुजुकी जिक्सर 2019 एंड द ओल्डर जिक्सर 155, दोनों का मैं कंपैरिजन करूंगा। उसके बाद देख लेना कि आपको कौन सा लेना सबसे अच्छा रहेगा। तो दोस्तों अगर इस बाइक से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव कुछ भी हो तो प्लीज ये जो इंस्टाग्राम का हैंडल दिख रहा है आप फॉलो करिए, मुझे मैसेज करिए, मैं विद इन 24 आवर्स और 48 आवर्स के अंदर मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। टिल देन आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग, नेक्स्ट रिव्यू, कुछ भी। टिल देन बाय एंड चाओ।